हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षित। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम पहले भी अपनी क्लासेस में थोड़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है उसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हमने पिछले क्लासेस में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट्स क्या थे? बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस जिनको और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी ही अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते थे, ठीक है। उनको क्या बोलते थे? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स बेसिकली 115 एलिमेंट्स हैं एट प्रेजेंट, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल अकरिंग थे और 23 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक दूसरे से सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो इन प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे जो एलिमेंट्स हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है वो है मेटल्स, देन इज नॉन मेटल्स, फिर आता है मेटलॉइड्स, ठीक है। अब हम इन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आज की क्लास है उसमें हम मेटल्स डिस्कस करते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो बेसिक तीन प्रॉपर्टीज जो है वो पोजेस करते हैं। सबसे पहले इसमें दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली पास होने देते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी अगर मान लो कि आयरन रॉड है, अगर वो गर्म हो रही है, अगर हम उसको दूसरे एंड से टच करें, आफ्टर सम टाइम हम फील करेंगे कि दूसरे एंड भी उसका गर्म हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने थ्रू हीट को बहुत इजीली पास होने देता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब किसी को भी मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है तो हम उसको मेटल रॉड से उसको नहीं हटाते। क्यों? मेटल रॉड यूज़ करने से क्या होगा, वो जो उसके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस बंदे के थ्रू पास होके दूसरे बंदे को भी करंट लग सकता है, ठीक है। इससे क्या शो होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टी है वो मेलेबल, मेलेबल यानी कि उनको बीट करके शीट्स में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स कि मेटल्स को इजिली वायर्स के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, लेड है, टिन, निकल, स्टील, जिंक, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स के अंदर आते हैं। अब जो मेटल्स हैं दे रिफ्लेक्ट लाइट एंड हैव लस्टर। रिफ्लेक्ट लाइट का मतलब है अगर मान लो कोई आपने मेटल की या कोई स्टील की प्लेट ली हुई है, अगर उस पर टॉर्च मारो तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है, ठीक है। और लस्टर का मतलब होता है कि उनके अंदर शाइन होती है, ठीक है। जैसे कॉपर वायर है, ये जो मेटल्स है देख सकते हैं थोड़ी सी शाइन कर रहे हैं, इनका शाइनी अपेयरेंस होता है, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो हैवी होते हैं, यानी कि डेंस होते हैं, गहरे होते हैं। आयरन है, आयरन हैवी होता है, उसको उठाएं तो बहुत दम लगाना पड़ता है। इट मीन्स कि जो मेटल्स हैं वो हैवी होते हैं। नेक्स्ट है सनोरस। सनोरस का मतलब है कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसको मेटल को हिट किया जाए, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्यों होते हैं पॉजिटिव आयंस? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उनको लूज करके अपना जो चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसमें एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। अब बच्चों इसमें ध्यान इतना रखना है कि एग्जामिनर जो होता है एक्सेप्शन के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, एक्सेप्ट विच एलिमेंट, तो इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन। तो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसका जैसे एक एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसका पॉजिटिव आयन होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है लूज कर देता है। इसका है Al3 पॉजिटिव, यानी कि ये तीन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है। और इसका चार्ज क्या बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और इन मेटल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, क्लियर। अब जो एल्यूमिनियम है वो है कि अर्थ का जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। अबंडेंट मतलब कि अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है, टॉप लेयर है, उसमें एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। उसके बाद कौन सा है? आयरन है, ठीक है। और इनके जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जैसे सबसे पहले है एल्यूमिनियम, फिर है आयरन, पहले एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अबंडेंस में होता है, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस ऑर्डर में ये
अबंडेंस में मिलते हैं, मींस कि हाईएस्ट अवेलेबल मेटल जो कौन सा है वो है एल्यूमिनियम है, ठीक है। और ये जो मेटल्स होते हैं मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी इसकी एक्सेप्शन हो जाती है क्योंकि वो किसकी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे मर्करी है लिक्विड फॉर्म में, थर्मामीटर्स में यूज़ होती है टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए, और ये बहुत ही पॉइजनस होती है, ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि मेटल्स की अपीयरेंस कैसी है, उनकी शेप कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मेटल्स जो हैं उनको हैमर के साथ बहुत ज़्यादा बीट करके किस में चेंज किया जा सकता है, शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। दे कैन बी बीटन इंटू शीट्स विद हैमर विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जैसे मेटल है, टिन है, इनकी बहुत बड़ी बड़ी शीट्स यूज़ होती है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, ठीक है। और एक एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, ठीक है, वो भी नॉर्मल डे टू डे घर में यूज़ होता है, ठीक है, सब यूज़ करते हैं खाना वगैरह रैप करने के लिए, तो वो मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसको उसको बीट करके शीट्स में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें से जो एल्यूमिनियम और कॉपर है वो हाईली मेलेबल मेटल्स होते हैं, यानी कि इनको बहुत ईजिली बीट करके शीट्स में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे उसको वायर्स की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वायर है, ये वायर्स की फॉर्म में मेटल्स को ईजिली चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें से सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड बहुत ही ईजिली डक्टाइल, मतलब कि उसको वायर्स की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, जो ज्वेलरी बनाने के लिए बहुत ही बारीक काम किया जाता है गोल्ड में, ठीक है। तो मींस जो गोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, ठीक है। और इसमें जो टंगस्टन मेटल है, एक मेटल होता है टंगस्टन, वो किसके लिए यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट्स बनाने के लिए, जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है उस फिलामेंट को बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ होता है, टंगस्टन मेटल होता है। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, मेटल के यूजेस के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो मेटल की प्रॉपर्टी वो है कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ईजिली पास होने देते हैं, ठीक है। इसमें से जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि सिल्वर जो है सबसे ईजिली अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता है। स्टील जो कॉपर है वो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ होते हैं, क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेटल पड़ जाता है, ठीक है, और वायरिंग के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है मेटल, तो इसलिए जो है वो कॉपर यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ सिल्वर, ठीक है। और इसमें से जो पुअरेस्ट कंडक्टर है वो है लेड, यानी कि लेड जो है बहुत ही मुश्किल से अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, यानी कि इट्स दी पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ ऑल, जितने भी मेटल्स हैं उसमें से सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा है, लेड है, ठीक है। अब जो मेटल्स हैं लाइक आयरन एंड मर्करी ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, सो दे हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट्स को बहुत ज़्यादा रोक सकते हैं, इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो कम होती है आयरन एंड मर्करी की। नेक्स्ट है इसमें मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। लस्ट्रस मतलब कि शाइनी सर्फेस, बहुत चमकते हैं मेटल्स, ठीक है, दूर से ही शाइन मारते हैं, ठीक है। जैसे अब ये है कप प्लेट्स वगैरह हैं, देखिए बहुत ज़्यादा शाइनी है, अगर इनको पॉलिश किया जाए प्रॉपर, जैसे गोल्ड है, गोल्ड अगर थोड़ा सा डल हो जाता है तो उसको शाइन पॉलिश के लिए दे देते हैं, तो उससे क्या होता है वो शाइन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मेटल्स का जो सर्फेस होता है वो शाइनी होता है, ठीक है। जैसे गोल्ड सिल्वर शाइनी मेटल्स होते हैं, पॉलिश कर सकते हैं उनको ईजिली, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, वो है मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, उनकी इसी हार्डनेस की वजह से जो मेटल्स हैं, जो आयरन है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के काम आते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है बहुत इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, बहुत स्टिफ खड़े रहने के लिए उनको एक हार्ड मटेरियल चाहिए, इसलिए जो मेटल्स हैं जैसे आयरन हो गया, ये सब बिल्डिंग्स बनाने के काम आते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब इसके जैसे मेटल्स हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल्स होते हैं,
ठीक है। सेम ये आयरन रॉड्स है, देख सकते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, इसके अंदर के जो क्योंकि सॉलिड्स हैं, इनके अंदर की जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है बहुत कम होती हैं, तो इनके ये डेंस होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाते हैं सोडियम एंड पोटाशियम की। सोडियम और पोटाशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको इजीली नाइफ के साथ भी कट किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या आ जाती है, इसकी एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन का एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स विच कैन बी इजली कट विथ नाइफ, या नेम एनी टू मेटल्स विच आर एक्सेप्शन फॉर बींग हार्ड, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा, सोडियम एंड पोटाशियम। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर उनको मेल्ट करना है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जा सकता है। जैसे आयरन है, आयरन को मेल्ट करने के लिए 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इट मींस कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे आके ही आयरन जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा, ठीक है, जो बिल्डिंग्स है उनका अंदर का आयरन जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए जो आयरन है वो बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, नॉर्मल सनरेज उसको पिघला नहीं सकती, ठीक है। अब जैसे ये आयरन है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, देख सकते हो कि इसमें इतनी ज़्यादा गर्म होता है, तभी इसके जो इसको मेल्ट करके इसकी अलग अलग शेप्स बनाई जाती हैं फिर आयरन की, ठीक है। अब जो कॉपर है वो भी, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, ठीक है। इसलिए भी वो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगी उसकी वायर्स, ठीक है। तो कॉपर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसको इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें फिर से एक्सेप्शन आ गई है, जैसे उसमें थी कि जनरली हार्ड में कि सोडियम और पोटाशियम सॉफ्ट मेटल्स थे, ऐसे ही सेम इसमें है कि जो सोडियम और पोटाशियम है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ 98 डिग्री सेल्सियस और 64 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली में वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस एक बार ज़रूर अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो हैवी सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं, क्योंकि डेंस होते हैं, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम होती है, तो उसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल स्टोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो गहरे बन जाते हैं, डेंस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ये जिम वगैरह में वेट्स वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं बहुत हैवी हैवी वेट्स उठाते हैं, बोलते हैं ना वेट लिफ्टिंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हैवी वेट्स उठा रहे हैं वो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या आएगी कि मेटल्स जो हैं वो हाई डेंसिटीज होती हैं मेटल्स की, ठीक है। जैसे अब डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एग्जैक्टली वैल्यूज लर्न करने की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आयरन और सोडियम वगैरह की इतनी डेंसिटीज होती है, ठीक है। इसमें फिर से एक्सेप्शन आ जाती है सोडियम और पोटाशियम की। ये जो होते हैं इनकी लो डेंसिटीज होते हैं, इसलिए इनको बहुत ही लाइट मेटल्स भी बोला जाता है, यानी कि वो डेंस, बहुत ही कम डेंस होते हैं जो सोडियम और पोटाशियम है। तो देखा जाए तो सोडियम और पोटाशियम के तीन एक्सेप्शन आ गई, कि वो सॉफ्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, और ये बहुत ही लाइट मेटल्स होते हैं, ठीक है। लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर सनोरस। सनोरस का मतलब है कि जो मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर उनको बीट किया जाए, ठीक है, मेटल्स को बीट किया जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे रिंगिंग बेल, स्कूल की बेल बजती थी छुट्टी के टाइम, बड़ा मज़ा आता है सुन के, छुट्टी होगी, फ्रीडम मिल गई, ठीक है। तो वो मेटल, उसके अंदर जो गॉग होता है वो मेटल का बना होता है, वो जब उसको हिट करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये मेटल की क्या प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर सोनोरस, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी की क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। क्लियर? नाउ लेट्स बिगिन विद द रिव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस के बाद प्लीज एक बार पॉज कर देना वीडियो को, और उसको खुद आंसर करने की कोशिश करना, जिससे पता चले कि आपको क्वेश्चंस कितने समझ में आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे उनको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं,
मेलेबिलिटी, सिनोरिस, डेंसिटी या डक्टिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स आर एलिमेंट्स विच हैव पॉजिटिव आयंस बाय डैश इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, लूज करते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं या कोई भी नहीं, तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, उनका पॉजिटिव आयंस इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब वो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन आ गया। हमने पढ़ा था कि मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल का एक्सेप्शन है कि वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में? तो आयरन होता है, कॉपर, सोडियम या मर्करी? यस, द आंसर इज मर्करी। लास्ट क्वेश्चन जो है, डैश मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब यूसेज ऑफ मेटल आ गया। ठीक है, कौन सा है मेटल्स है जो फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट को बनाने के लिए यूज होता है? सोडियम, टंगस्टन, पोटेशियम या कॉपर? आंसर इज टंगस्टन। क्लियर, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।